हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। इस वीडियो में मैं आपसे शमी वृक्ष के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसे कि बहुत लोग अपने घरों में लगाने से डरते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शमी के पेड़ लगाने के क्या फ़ायदे हैं और शमी का पेड़ किस दिशा में लगाना चाहिए और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक्चुअली शमी का संबंध शमी देव से है। इसे चमत्कारी पौधा भी माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति इसे घर में रख कर इसकी पूजा करता है, उसे धन की हानि कभी नहीं होती है। और ऐसी भी मानता है कि जिस घर में शमी का पेड़ की पूजा की जाती है, वहाँ देवी देवता की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही शमी के प्रकोप से भी यह पेड़ बचाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नियमित रूप से शमी के वृक्ष की पूजा की जाए और इसके नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाया जाए, तो शनि देव की कृपा भाव से बचा भी जा सकता है। शमी के पेड़ को ब्रही वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि ये पेड़ बड़ा भी हो जाता है, भारी भरकम भी हो जाता है। और आयुर्वेद की दृष्टि से शमी अत्यंत ही गुणकारी औषधि भी मानी गई है। शमी का पेड़ छोटी छोटी पत्तियों वाला होता है और इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। शनि ग्रह की शांति के लिए इसे लोग अपने घरों में लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसे घर में किस दिशा में लगाना चाहिए और इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, पेड़ पौधों को सही दिशा में लगाना बहुत ही ज़रूरी माना गया है, क्योंकि अगर हम पेड़ पौधों को गलत दिशा में दिखाते हैं तो वो गलत ही रिजल्ट दे के जाते हैं। इसीलिए शमी के पेड़ के लिए उत्तम दिशा घर का ईशान कोण है। आप शमी के पेड़ को ईशान कोण में ही रखिए और इसे मुख द्वार के बाईं ओर रखना चाहिए और इसके नीचे सरसों के तेल का दीपक नियमित रूप से लगाना चाहिए। पुराने समय में शमी के पौधे की पूजा की जाती थी और कहा जाता था कि इस पेड़ की पूजा करने से जहां शनि देव को खुश किया जाता है, वहीं घर में इसे रखने से माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। इस पौधे की पूजा करने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इस पौधे का सुबह सुबह दर्शन करना भी बहुत ही शुभकारी माना गया है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में शमी का पेड़ लगाइए, सुबह सुबह इस पेड़ का दर्शन करिए और यहाँ पे एक सरसों का तेल का दीपक जलाइए, तो आपके घर में भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। तो फ्रेंड, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। एंड मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।